वेलकम बैक टू माई चैनल। होपफुली आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं जगन्नाथ यात्रा के सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में मुझे देख के ऐसा लगा कि इतनी ज़्यादा वैल्यू है यहाँ पे आइसकॉन की कि अंग्रेज भी इतना टाइम देते हैं अपना, इंडिया में भी रहकर वहाँ पे हम अटेंड नहीं कर पाते हैं यात्रा, लेकिन यहाँ पे अभी सेकंड ईयर ही हुए हैलीफैक्स में और कई लोग दूर दूर से आए थे अटेंड करने। जो अंग्रेज़ थे वो 2-3 घंटे ट्रेवल करके अटेंड करने आए थे बस यात्रा के लिए। तो इंडिया के लिए बहुत आसान काम है क्योंकि वहाँ पे हम सबसे आसानी से बात करते मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ना अपार्टमेंट में हर जगह खाली खाली दिखेगा, सुनसान, क्योंकि सब अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त रहते हैं। मतलब अच्छे रहते हैं यहाँ पे नेचर के, देख के हेलो ज़रूर करेंगे लेकिन एक दूसरे की लाइफ में ऐसे इतना मतलब घुसते नहीं हैं इन लोग, एक दूसरे से उतना बात नहीं करते हैं। तो इस जगह में आइसकॉन वाले कैसे प्रचार करके हिंदू धर्म में लेके आए, सोचने वाली बात है। इंडिया में जहाँ सब फैशन के पीछे भाग रहे हैं, कई अंग्रेज सर मुंडवा के पूरा पंडित बन जाते हैं। रियली प्राउड फील होता है आइसकॉन टेम्पल वालों पे। ये आइसकॉन टेम्पल का नज़ारा है। जगन्नाथ यात्रा का फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा, उसमें मैंने पूरा दिखाया है शुरू से जहाँ से रथ निकला था लास्ट तक, पूरा मैदान में आते तक और मंदिर पूरा बड़ा होते तक, और क्या क्या चीज़ थी वहाँ पे, एक्टिविटी बच्चों के लिए क्या क्या थे, खाना कैसा था, सब चीज़ डिटेल में फर्स्ट वीडियो में। तो फर्स्ट वीडियो आप जरूर देखिए और इंजॉय करिए। जय जगन्नाथ। इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, आप जरूर देखिएगा। बाय बाय।